हेलो फ्रेंड्स, आप सभी थैंक्स फॉर दिस वीडियो। इसमें देखने वाले टेस्ला कॉइल और सिंपल मैंने टेस्ला कॉइल बनाया। और इसमें हम ये जो मेरे पास बल्ब है, ये जो बल्ब है इसका यूज़ करने वाला हूँ टेस्ट करने के लिए। मेरे पास जो ये बल्ब होते हैं CFL वाले, वो नहीं है मेरे पास, तो सिंपल इसका यूज़ करेंगे क्योंकि मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं है, आप कहीं फाइंड कर लो। तो इसका यूज़ करने वाले हैं। तो मेरे पास ये बल्ब है, यहाँ पर मैं 9 वोल्ट सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको टेस्ट करते हैं। सही मैं देखता हूँ, ये सिंपल मैंने इसमें वायर कनेक्ट कर रखा है ताकि मैं होल्ड कर सकूँ। इसे मैंने सप्लाई ऐड किया, सिर्फ इस पर आप ऐसे रब करते हो तो ये ग्लो कर जाएगा, दिख रहे हो। तो विदाउट वायर ये टेस्ला कॉइल इसको ग्लो करा देता है। आपके पास CFL वायर है, CFL अगर है आपके पास कुछ इस तरीके, जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ कुछ ये वाला, तो वो बहुत ही सही दिखाई देगा आपको ग्लो होते हुए। मैं फुल जूम पे, इस क्वालिटी को आप कहीं भी जाते हो हेड में भी तो ये ग्लो करता है। तो इस तरीके से ये आप टेस्ला कॉइल का यूज़ कर सकते हो और ये ग्लो करेगा। फर्स्ट हम ट्रांजिस्टर लेंगे, जो ट्रांजिस्टर है वो ये आप पिन में देख सकते हो, इसको यूज़ करेंगे और इसको तो कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। आप इसे तो सर्किट डायग्राम ऐसे कनेक्ट करना है हमें, सिंपल। इसमें फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर है इसमें 22K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। बेस में जो ट्रांजिस्टर का पिन आउट है वो ये है। अब इसके बेस में हम कनेक्ट करेंगे 22K का रजिस्टर, रेड रेड ऑरेंज, ये कनेक्ट करेंगे बेस में। 22K रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। इस ट्रांसफर में जो पिन आउट है वो एमिटर, बेस, कलेक्टर, जो LED वो कनेक्टर हो चुका है। अब इसको कनेक्ट करेंगे, जो 9 वोल्ट कनेक्टर होता है वो कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमें सप्लाई कनेक्ट करना है। जो पॉजिटिव है वो 22 के रजिस्टर में कनेक्ट होगा। और जो नेगेटिव है वो एमिटर में कनेक्ट होगा। तो जो सप्लाई है वो कम्प्लीट हो चुका है, ये सर्किट तो कनेक्ट हो चुका है, ये सर्किट। अब देखते हो जो टेस्ला के जो कॉइल बनाया है वो कनेक्ट करेंगे। तो इसमें मैं ये जो कॉइल है वो प्री बिल्ड कर रखा है मैंने, इसमें कुछ नहीं है। ये 250 टर्न्स है, आप भी ऐसे कर सकते हो या इससे ज़्यादा कर सकते हो। एक सिंपल मैंने पाइप लिया जो नॉर्मल पाइप आता है और उसका 250 टर्न्स एक रोटेट किया। आप 25, 26 कोई भी ले सकते हो वायर इसमें, और ये मैंने कनेक्ट कर लिया। बस कुछ नहीं करना, जो दोनों एंड है एक एंड ये रहा, कॉइल को रिपीट करना स्टार्ट करना है, और दूसरा एंड ये रहा। जो एक प्लास्टिक पाइप होती है उस पर सिर्फ रोल कर रखा है इसको और कुछ नहीं कर रखा। दोनों एंड्स ये रहे, एक नीचे वाला एंड ये रहा, ऊपर वाला एंड ये रहा, सिंपल। और आपको चाहिए एक वायर जो कि कुछ इतना बड़ा हो कि इसमें 2 टर्न्स हो जाए, यूँ ऐसे एक वायर का नीड है जो हमारे पास यहाँ पर है कॉइल का, और 2 हमारे पास ये टर्मिनल्स हैं इस वायर के। ये 2 आउटपुट पिन है, ये जो इसके टर्मिनल्स हैं ये कनेक्ट होंगे। एक होगा कलेक्टर में, दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई में, कलेक्टर और पॉजिटिव सप्लाई में कनेक्ट होगा। और जो ये कॉइल वाला पिन है एज पर सर्किट डायग्राम ये कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा बेस में, यहाँ पे जहाँ पे LED कनेक्ट है वहाँ बेस में कनेक्ट होगा। तो कनेक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ ग्लू गन से। ये देख सकते हो, ये 3 राउंड में मैंने करके ग्लूगन इसमें अटैच कर दिया ग्लूगन से। अगर पास ग्लूगन नहीं है तो आप टेप भी यूज़ कर सकते हो इसको ऐसे यहाँ पे पोजीशन में अटैच करने के लिए। ये कॉइल है जो बड़ा वाला कॉइल है, इसमें इसका भी कनेक्शन नहीं है, इसको ऐसे रखेंगे। जो ये वाला कनेक्शन है इसको कनेक्ट करेंगे बेस में। जो हमने सर्किट रेडी किया है यहाँ पे LED कनेक्टेड है, वहीं पर कनेक्ट करेंगे इस कॉइल को। तो ये वायर जो है बेस मैग्नेट, जो वायर है वो बेस मैग्नेट हो चुका है यहाँ पे जहाँ पे LED कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। अब ये जो कॉइल है, अब लास्ट जो है इन दोनों वायर कनेक्ट करना है, जो कि होगा कलेक्टर और बेस में। जो रेड वाला वायर है इसको कनेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हो। जो रेड वाला वायर है इसका 1 सेट कनेक्टेड है कलेक्टर में यहाँ पे, और 2nd सेट कनेक्टेड है रजिस्टर के बाद, या देख सकते हो। और जो सेंटर वाला वायर है वो कनेक्टेड है बेस में। कैसे हो चुका है, अब देख सकते हो आप एक फॉइल को रोल कर सकते हो। तो एक कंप्लीट हो चुका है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक फॉइल ले सकते हो, उसको रोल बना सकते हो। जो कॉइल होता है इसके ऊपर क्या होती है कि लेयर होती है, एक लेमिनेटेड होता है, हल्का सा आप रब कर सकते हो ऊपर वाले हिस्से को, और इसके अंदर
कनेक्ट करके यहाँ पे फिक्स कर सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर मैंने अभी जो LED है उसको रिमूव कर दिया क्योंकि वो काफ़ी पावर ले रहा था, और मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया इसे अभी देख सकते हो। तो अब जिस तरीके से आप ये कनेक्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने इसके लपेट रखा है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो ये वायर देख सकते हो आप रेड वाला, ये जिस तरीके से रोटेट है उसी तरीके से आपको रोटेट करना है। थोड़ा सा ऊपर रखना है इसको, मैंने अभी टेप कर दिया और थोड़ा इसको अरेंज कर दिया। जो मैंने पहले कनेक्शन किया था वो शो करने के लिए उसमें काफ़ी उलझ गया था, तो वो सही से क्लियर शो नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैंने इसको क्लीन कर दिया और यहाँ पे ट्रांसफर से फिक्स करके मैंने कनेक्शन कर लिया। तो आप भी LED रिमूव कर सकते हो या LED लगा सकते हो अगर बस पावर सही है तो, क्योंकि मेरे पास 9 वोल्ट ये बैटरी है तो ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो सकता है, तो इस वजह से मैंने ये LED निकाल दिया है क्योंकि काफ़ी हीट होता है ट्रांसिस्टर। और आप वो CFL जो पहले वाले आते थे या फोटो देख सकते हो, ये आप यूज़ कर सकते हो, जो ये दिख रहे हैं ये CFL यूज़ कर सकते हो, पर ये मुझे मार्केट में मिला नहीं, मैंने आसपास बहुत फाइंड किया, मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, LED मिल रही है सिर्फ, तो फिर मैं वो शो नहीं कर सकता। पर मेरे पास ये मुझे मिल चुके हैं, ये बल्ब है, इसका यूज़ करूँगा मैं आउटपुट शो करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सिंपल इसमें अभी देख सकते हो आप सर्किट को, इसमें बैटरी कनेक्ट करता हूँ, बैटरी कनेक्ट कर दिया मैंने, जो लाइट है जैसे ये है इसके पास ले गया, ग्लो कर गया, ठीक है। इसमें तो वायर कनेक्टेड है, मैं इसको तोड़ना नहीं चाहता, मैं दूसरा LED दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला है, याद देख सकते हो ये LED ग्लो कर रहा है, याद देख सकते हो। इसको मैं कनेक्ट लगाता हूँ यहाँ पे कि आपको अराउंड 2 बैटरी तो 9 वोल्ट के लगेंगे इसमें, क्योंकि ये उतना आइडियल सर्किट नहीं है। तो जैसे कि इसमें ये है तो इसको आप निकाल भी सकते हो, ये कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल नहीं आता, देख रहे हो ये ग्लो कर रहा है ईजिली, आप ग्लो इस पर ऐसे अप डाउन रोटेट करोगे तो ये ग्लो कर जाएगा। अब देखते हो मैं पहले तो बल्ब टच कर रखा था, अब थोड़ी सी इसमें वायर है ताकि मैं वायर पकड़ सकूं। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं इसे कैसे कर रहा हूँ ग्लो, ये देख रहे हो ये डिस्टेंस पे है और ये ग्लो कर रहा है। मेरे पास CFL नहीं है, वरना मैं और सो करता वो और अच्छा लगता है, अगर आप किसी की वीडियोस देख सकते हो काफ़ी सही लगता है। और ये LED ग्लो कर रहा है, मैं लाइट ऑफ के शो करता हूँ, ये डिस्टेंस पे आप टेस्ला ग्लो करा सकते हो। तो देख सकते हो ये टेस्ला काफ़ी सही वर्क कर रहा है, तो काफ़ी सही यूज़ है यार, सिंपल विदाउट वायर आप बल्ब ग्लो करा सकते हो और काफ़ी सही प्रैक्टिकल है। आप ऐसे बहुत सारे बल्ब ले सकते हो या फिर CFL ले सकते हो और जैसे इसके आसपास आप रखोगे वो ग्लो कर जाएगा। इसको आपको ऑनलाइन वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिल जाएगा और ये काफ़ी सही सर्किट है अगर आप बनाना चाहो तो सिंपल। नेक्स्ट में जो बनाऊंगा उसमें ट्रांसफर कोई और यूज़ करेंगे, उसमें हीट सिंक वगैरह यूज़ करेंगे ताकि हम लंबे समय तक यूज़ कर सकें, और मैं किसी बड़े बड़े ट्यूबलाइट या CFL का यूज़ कर लूँगा जिससे और अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकें इसको। अभी मेरे पास यही बल्ब थे जो मार्केट में मेरे पास अवेलेबल थे जिससे मैं इसको शो कर सकता था। इस वीडियो में आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।